आइए कुछ बातें मैं आपको शिवलिंग से जुड़ी हुई बातें कर लूं। भगवान शंकर की महादेव की जो शिवलिंग पिंडी है, इसकी जलहरी में शक्ति पार्वती बसती है। ये बातें आपने सुनी नहीं होंगी, सुन लो इसको। जो जलहरी में शिव पिंडी नीचे गड़ी हुई है, नीचे का भाग विधाता ब्रह्मा जी का है, ठीक जो मध्य का भाग है वो भगवान विष्णु का है, वहां विष्णु बैठते हैं। और शिवलिंग के ऊपर जो सबसे ऊंचे का जो ऊपर का स्थान है, वहां भगवान रुद्रदेव महेश्वर बैठते हैं। यह बात मैं इसलिए आपको बताने के लिए जा रहा हूं, सोमवार के दिन अष्टमी पड़ जाए तो जलहरी जहां पानी गिरता है, नीचे का जो स्थान है, बेटियां शिव पूजा में वहीं पर बेलपत्र चढ़ाती हैं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से बेटियों को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। जिस नारी के गर्भ में संतान है और बढ़िया संतान प्राप्त करना चाहती है, तो शंकर की पिंडी में सबसे नीचे के भाग पर चंदन लगाए, वंदन करे, पूजन करे, बेलपत्र चढ़ाए, समी पत्र चढ़ाए, जिससे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह स्थान ब्रह्मा जी का मूल भाग है और ब्रह्मा इस धरती के सृष्टि के रचयिता हैं। वो निर्माणाकार हैं, वो निर्माण करते हैं। उनका मंत्र भी मैंने एक आध बार सुनाया, ओम ब्रह्मणे नमः। ये बात बहुत अद्भुत है और बजनीक बात है। गर्भ में संतान है या जो संतान को जन्म देने के लिए स्त्री पुरुष मन बना रहे हैं, भगवान शंकर के पिंडी पर नीचे के भाग में, जहाँ वो जलहरी के साथ जुड़ी हुई है पिंडी, वहां पर अरोली, चंदन, फूल, पूजा उस स्थान पर करें। ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यहां पर विधाता ब्रह्मा विराजित होते हैं। यह स्थान ब्रह्मा जी का है। मेरे लिए सब बातें बहुत पुरानी सी हो गई हैं, लेकिन आपके लिए नई है, क्योंकि ये बातें आपको किसी ने सुनाई नहीं है ना, इसलिए। तो पिंडी का जो नीचे का भाग है वो विधाता ब्रह्मा, जिनका मकान बन नहीं रहा है, जिनकी दुकान बन नहीं रही है, निर्माणाधीन है, बनते बनते काम रुक जाता है, तो पिंडी का जो नीचे का भाग है, साधक लोग इसी जगह पर निलाकर भगवान को रोली, चंदन और यहीं इसी जगह पर भोग भी वहीं रखें, पूजन यहाँ करें। मध्य का जो भाग है वो भगवान विष्णु का है। आपके घर से कभी कोई भूखा ना जाए, आपका व्यापार न रुके, घर में धन की बरकत हो, आपके घर में लक्ष्मी टिके, उसके लिए शिव पिंडी के ठीक बीचा बीच में आप भगवान को चंदन, रोली, कलावा, मोली, भोग भी लगाते हैं, तो बीच के भाग को छुआ करके जलहरी के ऊपर रख दीजिए। मेरी बात को बहुत ठीक से सुनिएगा। भगवान महादेव की जो पिंडी है, इसकी चार जगह पूजा होती है, एक जलहरी पर, एक नीचे, एक मध्य में और एक सबके ऊपर। तो चारों की बात मैं यहाँ को निवेदन कर रहा हूँ, बेटियों के अच्छे घर और बर के लिए जलहरी के ऊपर कुंवारी कन्याएं बेटियाँ महादेव की पूजा करती हैं, जलहरी के ऊपर ही सब सामान रखती हैं। सुंदर संतान को जन्म देने के लिए नारी जब विवाह उसका हो जाता है, अच्छी औलाद उसके यहाँ जन्म ले, वो महादेव की पिंडी के नीचे के भाग में, मूल भाग में भगवान शंकर की पूजा करती है। व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, धन बढ़ाने के लिए घर से कभी कोई भूखा ना जावे। और सुनिए, घर में अच्छी लक्ष्मी जैसी बधू आवे, झगड़ा ना करे, कलह ना करे, इसलिए सबसे ज़्यादा महादेव की पिंडी की पूजा मध्य में होती है, क्योंकि अर्थ की सबको जरूरत है। घर में अच्छी नारी आवे, बच्चों का समय से विवाह हो जाए, यह तो सबको जरूरत है। घर से कभी कोई भूखा ना जाए, घर में रोटियों की संपत्ति की कमी ना आवे, इसलिए पिंडी के ठीक मध्य भाग में चंदन लगाया जाता है और वहाँ पूजन किया जाता है, और वहीं भोग छुआ करके जलहरी के ऊपर रख दिया जाता है। एक बार फिर कहूँगा, जलहरी शक्ति का प्रतीक है, परम्भा भगवती वहाँ विराजित है, और उसका मूल भाग है वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है, और उसका जो मध्य भाग है
वह स्वयं भगवान केशव भगवान विष्णु का स्थान है। और भगवान विष्णु क्या करते हैं? भगवान विष्णु भूखे को भोजन देते हैं, पालन करते हैं। आप पूरी धरती के पालक हो जाएंगे। कौन कहता है कि हरि का पुजारी महादेव की पूजा नहीं करता? हम छाती ठोक करके कहते हैं ऐसे भगवान शंकर हैं जिनकी पूजा करने से संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। त्रिदेव तो इसी पिंडी में वास करते हैं। आज मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, शिवलिंग अंडाकार क्यों होता है? सुनिए, तो व्यापार वाणिज्य के लिए सबके पालक बने, आपके घर से कोई भूखा ना जाए, आपके अखंड भंडारे चलते रहे, आपके घर में बरकत रहे, आपका धन अधर्म में न लगे, गलत काम में न लगे, घर में शराबी पैदा ना हो, धन का दुरुपयोग ना हो, उसके लिए शंकर जी की पिंडी पर बीच में चंदन रोली मोली कलाबा, ठीक बीचा बीच में भगवान महादेव का पूजन होता है। ज्यादातर ऐसे लोग बीच में ही पूजा करते हैं, पिंडी के बीच भाग में। यह भगवान महादेव को बड़ा बढ़िया स्थान है पूजने के लिए। यहां भगवान विष्णु का वास है और भगवान विष्णु तो पूरे जगत के भरता है, सबका भरण पोषण करते हैं, किसी को भूखा नहीं रहने देते। और मैंने तो यहां तक पढ़ लिया है कि जो भगवान शंकर को बीच के भाग में चंदन लगाते हैं, उनको नारायण के संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने का, दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शंकर जी का जो पिंडी का जो बीच का भाग है वो नारायण क्षेत्र है, इससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, अति खुश होते हैं। तो इसमें व्यापार, अन्न की बरकत, सबके लिए आप भरण पोषक बने, इसलिए बीच में। आपने मुझे देखा होगा, मैं ज्यादातर ऐसे भगवान की पिंडी के ऊपर बीच में चंदन लगाता हूँ, पिंडी के ठीक बीचा बीच में चंदन, उसके ऊपर रोली लगाता हूँ, कलावा ठीक बीच में बांधता हूँ, क्योंकि आज तुलसी बन आश्रम को बड़े बड़े भंडारे चलाने की जरूरत है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, बरकत रहे, कोई भूखा ना जाए, इसलिए। ये हाँ से मैं आपको संदेश देता हूँ, उसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, उसका मैं पालन करता हूँ और इसका प्रभाव मैं देखता हूँ। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर है। ये आप देख रहे हैं ठीक बीचा बीच में कलाबा बना है मेरे हाथ में, इस समय आप शिवलिंग देख रहे हैं, ठीक बीचा बीच में कलाबा। मैंने नीचे भी चंदन लगाया है क्योंकि आश्रम के निर्माण के काम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ब्रह्मा जी निर्माण करता है, और मध्य में लगाया है मैंने चंदन, इसलिए लगाया है कि इस आश्रम को बड़े बड़े भंडारों की जरूरत है। अब बात है शंकर जी के सबसे ऊपर के भाग पर स्वयं भगवान रुद्रदेव बैठते हैं, महादेव का स्थान है सबसे ऊपर। जिस समय आप पूजा करें तो ऊपर के भाग में ओम बनाइए, सबसे ऊपर पिंडी के सबसे ऊपर यहाँ रुद्र देवता का स्थान है। और यहाँ पूजा करने से दो चीज़ें मिलती हैं, एक है विद्या और एक है मोक्ष। जो भी वानप्रस्थी लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो पिंडी के ऊपर सबसे ऊपर बीच में आप लगा देते हैं चंदन, अच्छी बात है, नीचे भी लगाइए, बीच में भी लगाइए, ऊपर जरूर लगाइए। विद्यार्थियों के लिए इस पिंडी के सबसे ऊपर पूजन करेंगे, उसके ऊपर पूजा का सामान चढ़ाएंगे। विद्या समस्तास्तव देव भेदा, संपूर्ण विद्या तुम्हारे पास चल करके आएगी। जो विद्यार्थी काल अपना जीवन जी रहे हैं, शंकर की पिंडी के ऊपर के स्थान पर चंदन रोली है, पूजा की सामग्री है ऊपर। और एक वानप्रस्थी लोग हैं जो पता नहीं अब कितने समय के हैं, भगवान शंकर की पिंडी के सबके ऊपर चढ़ाने से विद्या और मोक्ष दोनों चीज़ों की प्राप्ति होती है। यह भगवान शिवलिंग का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो माँ भगवती जगदम्बा के पुजारी हैं, शिवलिंग की पूजा करने से माँ जगदम्बा से प्रसन्न होती, बहुत प्रसन्न। जो उनके महादेव को पूजता है, माँ भगवती दुर्गा